कोविड में इतने लोग परेशान थे जिनको कम से कम 40% लोगों को तो यही नहीं पता था कि जो फीवर है ये क्या हो रहा है तुम्हारे। लोग घर छोड़ छोड़ के जा रहे थे, कम से कम उन्हें खाना टाइम पे मिला तो वो रुक गए। ज़्यादातर लोग जो खाना नहीं मिल रहा था वो सब घर छोड़ के जा रहे थे, कोई कहीं अपने गाँव वापस लौट रहे थे सब। मेरा नाम अरविंद बंसल है, मैं लोनी में रहता हूँ। मैं एक एनजीओ से जुड़ा था, जनमन फाउंडेशन से। मैं यहाँ पे दोपहर के बाद फ्री हो जाता हूँ तो मुझे थोड़ी लोगों की हेल्प करनी है, इतने परेशान है लोग। और लॉकडाउन में तो बिल्कुल ही हमारे उस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा कच्ची कॉलोनियाँ जहाँ पे खाना वाना बहुत ही प्रॉब्लम थी, तो इधर उधर दोस्तों से किसी ना किसी के थ्रू मदद लेके मैं पहुँच जाया करता था और वहाँ से खाना ला के कॉलोनियों में बांटना शुरू किया। लोग परेशान थे, उन्हें मैंने हेल्प की तो मुझे अच्छा लगने लगा, उनके मतलब एक अंदर से फील आने लगे कि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ। मेरी वाइफ खुद हॉस्पिटल में रही है 3 दिन। उस टाइम बहुत मतलब दिल दुखा था कि बच्चे देखूँ, वाइफ देखूँ, उधर एनजीओ से फ़ोन आ रहा है कि भाई तुम्हारा खाना तैयार है, और घर के बाहर देखता हूँ तो कम से कम 100-150 लोग वही टाइम पर जमा हो जाते हैं। तो उस टाइम बहुत ज़्यादा वो दिमाग में ये था कि अब क्या करूँ। ऑक्सीजन उन्होंने दिलाया, अरविंद भाई साहब जी ने ऑक्सीजन दिलाया, जब मुझ में दोबारा कर सांस आया जी। ये बोल रहे थे दोनों टाइम खाना बढ़ता, तुम दोनों टाइम खाना ले जाओ, यहाँ से खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कमरा किराए का मांगे तो उससे हमारी बात कराओ। मैं कह रहा हूँ 50% लोगों ने धन्यवाद नहीं किया मुझे, क्योंकि उनके आंसू ही निकल रहे थे, वो बोल ही नहीं पा रहे थे कुछ। मैं समझ रहा हूँ आप कुछ मत कहो, बैठ जाओ, कोई भूखा नहीं सो रहा है हमारी वजह से, तो इससे अच्छा क्या है।